हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चंस हमारे रह रहे थे, तो लास्ट के 3 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास एक फिगर दे रखा है ए बी, जिसमें एक रे है सी ओ सी जो इसको दो भाग में डिवाइड कर रही है। इसी तरह है हमारे पास दूसरी रे ओ डी जो इसको दो भाग में डिवाइड कर रही है। हमारे पास एंगल है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, हमारे पास दे रखा है कि एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारे पास गिवन है। गिवन है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज लाइन। हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। प्रूफ दैट ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू 180। तो ए ओ सी और बी ओ सी हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास दे रखा है कि एक्स वाई प्लस वाई क्या है हमारे पास 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में बने हैं दो एंगलों का प्लस हमारे पास 180 होगा। इसी टाइप से देन एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरी बात ये लिखेंगे हम कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि हमारे पास पूरा ये कितने का होता है 360 डिग्री का। इसके बाद x प्लस वाई W प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। x प्लस वाई लिख लिया हमने, x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360। x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 प्लस किया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 2 का डिवाइड किया इसमें हमने, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। हमने क्या किया, हमें पता है कि पूरी एक लाइन पर है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा और W प्लस जेड इज इक्वल 180 होगा, ये हमें पता है। पर इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इज इक्वल टू 360, क्योंकि पूरा एक सर्कल में बने हुए एंगल 360 के होते हैं। तो X प्लस वाई प्लस W प्लस जेड की जगह हमने क्या रखा, X प्लस वाई, तो प्लस किया तो 2X प्लस 2Y इज इक्वल टू 360। 2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, 2 का इसमें डिवाइड किया तो 180। यहाँ हमने अब प्रूफ कर दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, ए ओ बी इज अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास फिगर दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है पी ओ एस इज अ लाइन, ओ ओ आर रे एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है ओ पी ओ क्यू पे, एस ओ
पी ओ आर को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एंगल, ये इक्वेशन वन एंड एंगल पी ओ आर प्लस पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो बाय इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से हमने क्या किया, क्यू ओ एस इज इक्वल टू 90 प्लस आर ओ एस, ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दी, तो हमारे पास आता है 1/2 90 डिग्री प्लस आर ओ एस माइनस, यहाँ से हमने वैल्यू लिखी 90 डिग्री, इधर रखिए ये माइनस का आर ओ एस हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस आर ओ एस। यहाँ क्यू ओ एस की वैल्यू यहाँ से रख दी, पी ओ एस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के रख दी। यहाँ पर यहाँ पुट अप करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 90 प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, ये दोनों प्लस के हैं, तो हमारे पास है 2 आर ओ एस, इससे ये कट गया, हमारे पास आ गया एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस किसके बराबर है, एंगल आर ओ एस के, यही हमें प्रूफ करना था। हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के इक्वल है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ एस में से माइनस किया एस ओ आर को, इजिकल टू 90 डिग्री है, इसको माइनस करने पर ये 90 आ रहा है। उसके बाद हमने सेकेंड किया पी ओ एस और एस ओ आर दोनों मिलकर कितना बनता है 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर वन एंड टू से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू क्यू एस की वैल्यू यहाँ से पुट अप करी, पी ओ एस की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसकी जगह सब्सिट्यूट कर दी। सॉल्व किया, 90 से माइनस का 90 कट गया, बचा आर ओ एस प्लस आर ओ एस, टू आर ओ एस, वन से टू से टू कट गया, बचा आर ओ एस जो कि आर ओ एस के इक्वल है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, इट इज़ अ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स आई इज ए प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। हमारे पास है एक्स वाई जेड 64 डिग्री, ये पी एक लाइन प्रोड्यूस करता है, पी ये जेड है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे वाई जेड वाई क्यू बाइसेक्ट क्यू, बाइसेक्ट पी वाई जेड, जो कि पी वाई जेड को बीच में से दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये एंगल फाइंड करना है एक, तो दूसरा रिफ्लेक्स एंगल QYP, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ZYP निकालते हैं, ZYP इसके लिए हम करेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी 64 डिग्री, जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री, तो जेड वाई पी आता है हमारा 116 डिग्री। तो ये पूरा हमारे पास कितने का आया, 116 डिग्री का। तो ये जब इसको क्यू वाई बाइसेक्ट कर रहे थे, ये टू पार्ट में बराबर भागों में डिवाइड हो रही है, तो इनको हम 160 को टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि एंगल जेड वाई पी हाफ ऑफ एंगल क्यू वाई जेड हाफ ऑफ जेड वाई पी। तो जेड वाई क्यू हमारा आता है 58 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जेड वाई पी हमारा 116 डिग्री का है और एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। हमने सबसे पहले क्या किया, फिर देख लेते हैं एक बार हम कि एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी पूरा 180 का है, इसलिए 180 के इक्वल रख दिया, इसकी वैल्यू रखी 64, 180 में से 64 माइनस की, तो जेड वाई पी की वैल्यू हमारी 116 आ गई। जेड वाई पी हाफ ऑफ है इसका क्यू वाई जेड का, तो हाफ किया तो 58 डिग्री आया। इसके बाद हम निकालते हैं आगे, एंगल क्यू जेड एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स, इसकी वैल्यू 58 है, इसकी 64 है, दोनों को प्लस किया 122 डिग्री, इसकी वैल्यू आती है हमारी 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू की वैल्यू आई हमारी 122 डिग्री। इसके बाद हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी माइनस 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 माइनस क्यू वाई पी हमारे पास है 58 माइनस किया 202 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल निकाला, 360 में से क्यू वाई पी को माइनस कर दिया, 360 में से 58 माइनस किया तो 302। ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया, हमारे पास एक्स क्यू वाई आया, तो क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स रखा, तो इन दोनों को प्लस करने पर पास क्यू वाई एक्स वाई जेड आ गया। इसके बाद हमें रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है, तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 माइनस 58 किया तो 302 आया। ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया 6.1। इसके बाद हम आगे चैप्टर करेंगे 6.2। तो उससे पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है इसकी। टॉपिक है हमारा इसका पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल
सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें जो ये एंगल होते हैं हमारे एंगल वन, एंगल टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो हमारा जो एंगल है फर्स्ट एंगल वन एंड एंगल फाइव, एंगल वन एंड एंगल फाइव और एंगल फोर एंड एंगल एट क्या है? क्रॉस पॉन्डिंग एंगल। ये जो एंगल होते हैं हमारे एंगल वन, एंगल फाइव, एंगल फोर, एंगल एट, इसी तरह एंगल थ्री, एंगल सेवन के और एंगल टू और एंगल सिक्स, ये क्या कहलाते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद एंगल फोर एंड एंगल सेवन, एंगल टू एंड एंगल फाइव, ये क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका पहचान है जब भी हमारे पास इस तरह कोई जेड बनता है तो ये जो एंगल होते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा एंगल वन एंगल्स एंड एंगल सिक्स, एंगल थ्री एंड एंगल एट, ये कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये कहलाते हैं सेवन, सिक्स, थ्री और एट, ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये तीन एंगल्स हम इस वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पहला है हमारा क्रॉसपेंडिंग एंगल, जो एंगल सेम साइड पे होते हैं जैसे वन, फाइव, थ्री, सेवन, फोर, एट, टू और सिक्स। इसी तरह एंगल फोर, सेवन और टू और फाइव, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर हमारा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, थ्री, एट, वन और सिक्स, ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं। और ये हमने पहले पढ़ ही चुका है कि एंगल वन एंगल टू का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसी तरह एंगल फाइव एंगल थ्री सिक्स का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। और इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन कहलाती है वो कहलाती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। इस पे जो एंगल बने होते हैं वो हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालेंगे।